रामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म गुरुभुवस्य तस्मै वै नमो नमः। ओम गुरुभुवस्य तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्चय यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम यत्र यत्र रघुनंद कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम् नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। श्री राम जय राम जय जय राम 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 परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे ज्ञान सत्र का यह चौथा दिन है। मैं आप लोगों को अपने दैनिक जीवन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ कुछ बातें समझा रहा हूं। भगवान की भाषा प्रश्न है, ना चाहते हुए मनुष्य पाप में कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो जाता है? भगवान का उत्तर है कि पाप में प्रवृत्ति का मूल कारण रजोगुण है। यह सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, इसमें तीनों गुण सदैव सक्रिय रहते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और इन तीनों गुणों की क्रिया जो है वह उस परमात्मा के प्रकाश से ही प्रवाहित होती है। भगवान ने स्वयं कहा है, एचैव सात्विका भावा राजसास तामसास चये मत्त एवेत तान विद्धि न तु अहम तेसु ते मई। जो सात्विक भाव है, राजसिक भाव है, तामसिक भाव है, ये तीनों प्रकार के भाव परमात्मा के प्रकाश से ही प्रवाहित हो रहे हैं। जैसे जब आप में ज्ञान का प्रकाश होता है तब आपकी आत्मा उसमें मुख्य रूप से हेतु होती है, और जब आप में कामना का प्रवाह चलता है तब क्या वहां आत्मा नहीं है? वहां भी है।
आत्मा न हो तो क्या कामना का प्रवाह चल सकता है? असंभव। और जब आप में मोह का प्राबल्य होता है तब भी तो आत्मा वहां है। तो जैसे आपकी आत्मा के प्रकाश में ही आपके जीवन में ज्ञान, आपके जीवन में कामना, आपके जीवन में मोह, इन तीनों का प्राबल्य होता है आत्मा की उपस्थिति में। आत्मा यदि निकल जाए तो न वहां ज्ञान होगा, न कामना होगी, न मोह होगा। ये तीनों प्रकार की क्रियाएं आपकी आत्मा की उपस्थिति में ही होती है, लेकिन यथार्थ आत्मा में न मोह के लिए स्थान है, न काम के लिए स्थान है। ज्ञान उसका सहज स्वभाव है। जैसे अग्नि का सहज धर्म प्रकाश है, ऐसे ही आत्मा का सहज धर्म ज्ञान है। लेकिन जैसे अग्नि बिना ईंधन के कभी भी प्रज्वलित नहीं हुई, ईंधन पर्सनियर कैन डेयर टू से दैट आई हैव सीन फायर विदाउट फ्यूल? नो, इम्पॉसिबल। दुनिया में आज दिन तक कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो बिना ईंधन के आग देखा हो। किसी ने देखा हो तो मुझे बता देना। बिना ईंधन की आग, फायर विदाउट फ्यूल। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि फायर ही फ्यूल है या फ्यूल ही फायर है? कोई नहीं कह सकता। तो मेरे देवता, जैसे बिना ईंधन की आग नहीं दिखाई देती लेकिन ईंधन ही आग नहीं है, ऐसे ही बिना बुद्धि के आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता लेकिन बुद्धि ही आत्मा नहीं है। क्या समझे? अब भगवान कहते हैं कि ये रजोगुण जो पाप में प्रवृत्त कराने का मूल हेतु है, वो कहां आता है, किसमें आता है, कहां से प्रभावित करता है? तो भगवान ने कहा कि क्रिया का आधार क्या है, पहले इसकी खोज करो। तुम बी अवेयर, एक्शन इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर थॉट, नथिंग एल्स, एंड नोबडी कैन डू एनीथिंग इन थॉटलेस स्टेट। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त ही नहीं हो सकता यदि वहां विचार का अस्तित्व न हो। आप इससे अंदाज लगा ले, व्हेन यू आर एंटरिंग इन टू डीप स्लीप, at that state you become thoughtless. Are you doing anything? जब आप घोर निद्रा में प्रवेश करते हैं, जब वहां पर आपके सोचने वाला अहम ही नहीं रहता, तो उस अवस्था में आप कुछ करते हैं क्या? नहीं करते। और डीप स्लीप जो है वो आपका कोई कर्म है क्या? नहीं, निद्रा कोई कर्म नहीं है। निद्रा क्यों कर्म नहीं है? इसलिए कि निद्रा के साथ कोई संकल्प नहीं है और निद्रा के साथ कोई थॉट नहीं है। वेद कहता है यम यम चिंतेत तम तम भावेत, यम यम भावेत तम तम करोति। पहले कर्म जो है वो मनुष्य की बुद्धि में आता है विचार रूप से, फिर वो मन में आता है संकल्प रूप से, फिर वो इंद्रियों में आता है क्रिया रूप से। तो कर्म के तीन क्षेत्र हो गए ना, कौन कौन से? बुद्धि पहला क्षेत्र, और
मन दूसरा क्षेत्र और इंद्रियां ये तीसरा क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र हुए आपके कर्म के। तो रजोगुण पहले आवृत कहां करता है? बुद्धि को। पहले रजोगुण बुद्धि में आता है। जब आपकी बुद्धि रजोगुण से अभिभूत हो जाती है तो उसमें कामना का आविर्भाव होता है। ये कामना कहां उत्पन्न होती? बुद्धि में नहीं, मन में। ये सेकंड स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है चिंतन। इसको भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में बताया। क्या कहा? ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भूत सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मनुष्य के पतन की पूरी कहानी दो श्लोकों में भगवान ने कहा। मनुष्य का पतन कहां शुरू होता है और अंत में किस गर्त में जाकर वो गिरता है, इसकी पूरी कहानी भगवान ने इन दो श्लोकों में कही। शुरू कहां से होता है? ध्यायते विषयान पुंसः। पुंसः विषयान ध्यायते। ये ध्यायते किसका गुण है, किसका कर्म है? बुद्धि का। ये शरीर का नहीं है। अब आपके पास बुद्धि तो एक ही है ना, बहुत बुद्धियां तो है नहीं कि एक बुद्धि से विषयों का ध्यान करना दूसरी बुद्धि से भगवान का ध्यान कर लेना, ऐसा तो हो नहीं सकता। बुद्धि एक है। आइदर यू कैन यूज फॉर डिविनिटी आर यू कैन यूज फॉर वर्ल्डली अफेयर। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धि से किसका चिंतन करते हैं। ध्यान माने चिंतन, किसका चिंतन करते हैं। यदि आप विषयों का चिंतन करेंगे तो कामना जागृत होगी, और यदि परमात्मा का चिंतन करेंगे तो भावना जागृत होगी। क्या समझे? हाँ, जैसे बुद्धि के दो विषय हैं ना, कौन कौन से विषय हैं दो, इसे समझ लो। ये ब्रह्मचक्र है यहां, यहां पर दैट कॉल्ड क्राउन चक्र। आपके आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो यहां तालुआ कहते हैं, पिलपिला सा होता है, यहां गीला सा कटा सा भी होता है। बहुत नए नवजात शिशु को देखें तो यहां छेद भी होता है, बहुत पतला सा। इसको विद्युति मार्ग कहते हैं वेद में, विद्युति मार्ग। इसी मार्ग से उस चेतन का प्रकाश इस शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और तैतरीय उपनिषद में इसकी पूरी व्याख्या समझाई गई है, हाउ दैट डिवाइन लाइट इज एंटरिंग इनटू योर बॉडी इन थ्रू वेयर। वह परमात्मा की दिव्य ज्योति आपके शरीर के अंदर किस मार्ग से और कहां प्रकट होती है, यह तैतरीय उपनिषद में समझाया गया है। अब उसमें यह बताया गया कि जब बुद्धि में चेतन का प्रकाश होता है, बुद्धि में, तो उससे बोध होता है, बोध क्या, और ज्ञान के पश्चात फिर क्या होता है उसमें? अहम, अहम। यह अहम ये बोध का परिणाम है। और वही अहम जब इस आकार से संबंधित हो जाता है, बिकम आइडेंटिफाइड विद योर फिजिकल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड अहंकार। अहंकार में आपके अहम ने आकार धारण कर लिया। ये बात समझे? अब बुद्धि से क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। इसको क्या कहा? अहंकार। और अहंकार के पश्चात अब एक और स्टेज आई, उसको क्या कहते हैं? अहम को मैं, और फिर ये मेरा। तो पहले मेरा क्या होता है? शिशु के लिए उसका शरीर। छोटे बच्चे को झुनझुना पकड़ाइए और मुंह में डालेगा, वो झुनझुना नहीं खेलेगा, वो मुंह में डालेगा नवजात शिशु को, क्योंकि वो उसके सिवा किसी को जानता ही नहीं, केवल अपने मुंह को जानता है, अपने शरीर को जानता है।
और यदि ऐसे ही प्रवृत्ति रह जाए तो फिर वो पशु जीवन को प्राप्त होता है, क्योंकि ये पशु की प्रवृत्ति है। बंदरी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, लेकिन यदि उसके सामने रोटी डाल दो तो बच्चे के हाथ से छीन करके अपने मुंह में डालेगी, बच्चे को नहीं देखेगी। गाय अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, गाय से अधिक अपने बच्चे को प्यार करने वाला और कोई दूसरा जानवर नहीं है, इसीलिए उसको वात्सल्य कहते हैं। वात्सल्य गौ से बना है, वत्स से। लेकिन उस बच्चे के सामने हरी घास डालो तो गाय पहले खा लेगी, बच्चे को नहीं खाने देगी, क्योंकि यह पाशविक प्रवृत्ति है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में एनिमल इंस्टिंक्ट, सो दैट इज नेचर यू विल फाइंड इन द चाइल्ड। उस बच्चे में वो एनिमल इंस्टिंक्ट स्वाभाविक है, क्यों अनेक योनियों से जन्मता हुआ आया है, वही पशुओं के संस्कार उसमें प्रबल है, इसलिए कोई वस्तु दोगे तो अंदर मुंह में डालेगा, इतने वो जानता है, इसे आगे नहीं जानता। ये जो इंस्टिंक्ट है, पाशविक प्रवृत्ति जो है, इस पाशविक प्रवृत्ति से मुक्त कैसे होगा? वो नहीं हो सकता। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। अब बुद्धि यदि उसी प्रकार से रजोगुण से युक्त हो जाए तो नीचे अहम बुद्धि में बोध, बोध से क्रिया अहम, अहम से मम, यानी मम माने मेरा, और मेरा से फिर ये तय और फिर तेरा। तो तुलसीदास ने क्या लिखा, भगवान राम कहते हैं हे लक्ष्मण मैं अरु मोर, क्या समझा, मैं अरु मोर तोरते माया यही बस कीने जीवन निकाया। इस संसार में जितने जीव हैं समस्त जीवों को बस में करने वाली ये माया जो है, इसका स्वरूप है मैं और मेरा, तय और तेरा। जिस समय ये चेतन बुद्धिस्त होकर के और बुद्धि से उत्पन्न हुए अहम, अहम से उत्पन्न हुए मम मन, और अहम से उत्पन्न हुई इंद्रियां और विषयों को अपना मानने लगता है, तो ये पहले तो बुद्धि रजोगुण से अभिभूत होती है तो अहम पैदा होता है, वो आकार में आबद्ध होकर अहंकार कहा जाता है, ये अहंकार रजोगुणी होता है। और फिर अहंकार से जब पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां पैदा होती हैं तो पांच विषय उत्पन्न हो जाते हैं, और उन विषयों के साथ जुड़ जाता है तो तमोगुणी हो जाता है, निच्युत हो जाता है, नीचे गिरता जाता है। और नीचे यहां तक गिरा कि केवल इंद्रियों तक नहीं, इंद्रियों के विषयों तक नहीं, इन विषयों को प्राप्त करने वाले साधनों तक पहुंच जाता है वो, क्योंकि इंद्रियों को सुख देने वाले जो विषय हैं वो अस्थाई रूप में नहीं रहते, इसलिए सोचता है कि इनको पाने के लिए जो माध्यम हो उसको सुरक्षित रखें, तो पदार्थ को तो सुरक्षित रख नहीं पाता, इसलिए पदार्थ का स्थान वो सिक्के को दे देता है, सिक्का माने मनी, क्योंकि पहले पदार्थ से पदार्थ का विनिमय होता था, अब पदार्थों की इतनी भरमार हो गई है और पदार्थ इतने अस्थाई हो गए हैं कि इनको अधिक काल तक रख नहीं सकता, इसलिए वो अनेक वैरायटी के पदार्थ ग्रहण करने के लिए मनी को प्रधानता दे, मनी। अब मनी सब कुछ हो गई और मनुष्य मनी का गुलाम बन गए। आज मनुष्य मनी का गुलाम है, मुद्रा का गुलाम है मनुष्य, और मुद्रा के पीछे वह अपना सर्वस्व बलिदान करने पर तुल जाता है। आज आप जरा देखें, जो कल तक ऊंचे पदों पर बैठे थे आज वो कटघरे में खड़े हैं, किसके नाते, मुद्रा के नाते, ये और कोई कारण है, मुद्रा, मुद्रा के नाते। और ये मुद्रा कोई काम नहीं आती, नहीं आती किसी अवस्था में काम नहीं आती, ये भी याद बताऊं। भारत में एक देवी हुई, देवी, उसका नाम था मैत्रेयी, वो महर्षि जागबल्क की पत्नी थी, तो महर्षि जागबल्क ने निश्चय किया कि अब मैं परिव्रजा ग्रहण कर लूं, सन्यासी हो जाऊं। तो उनके पास जो संपत्ति थी उसको इकट्ठा करके दो स्त्रियां थी उनको दोनों में बांट दिया, आधी कात्यायनी को दे दी, आधी मैत्रेयी को दे दी। कात्यायनी चुप रही, लेकर के अपना हिस्सा रख लिया,
मैत्रेय को जब दिया तो मैत्रेय ने पूछा कि ऋषिवर ये संपत्ति मुझे क्यों दे रहे हो आप? कहा कि मैं परिव्रजा ग्रहण करूंगा, सन्यासी बनना चाहता हूं, इसलिए ये संपत्ति तुम लोगों में बांट देता हूं। कहा इस संपत्ति से मुझे क्या मिलेगा? कहा तुम्हें, कहा तुम्हें सुविधा मिलेगी। संपत्ति मनुष्य को सुविधा देती है। तो कहा सुविधा से मुझे सुख मिल जाएगा? बोले नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। तो सुविधा से मैं अमर हो जाऊंगी? बोले ये तो असंभव है। सुविधा से मुझे निर्भयता मिल जाएगी? बोले ये भी असंभव है। कहा जिस सुविधा से न सुख मिलने का, न अभय मिलने का, न मृत्यु से बचना हो सकता, उस सुविधा को लेकर मैं क्या करूंगी? इतना कह करके उस मैत्रेयी ने पूरे धन राशि को लात मारा और कहा कि ये तुम्हें ही मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। ये न हम न अमृता श्याम हम तेर किम कुरियाम। मैत्रेयी ने कहा हे ऋषिवर, जो पदार्थ मुझे अमृतत्व प्रदान नहीं कर सकता, जो पदार्थ मुझे निर्भय नहीं बना सकता, जो पदार्थ मुझे सुखी नहीं बना सकता, उस पदार्थ को लेकर मैं क्या करूंगा? यदि भारत के लोग अपने पूर्वज उस महिला एक नारी की सीख को ही अपना लें तब भी ये धरती स्वर्ग बन जाए। मैत्रेयी के सीख को अपना में यदि मैत्रेयी के इस वाक्य को ग्रहण कर ले, एन हम न अमृता श्याम हम ते न किम कुरियाम। जब आप धन इकट्ठा करने लगे, पदार्थ इकट्ठा करने लगे, या किसी वस्तु को पाने लगे, पाने की चाह हो, तो यू शुड ट्राई टू इंक्वायर व्हाट बिलीव अचीव बाय दैट। उसके द्वारा तुम क्या पाओगे, वो तुम्हारे किस काम आने वाला है। भारत के एक राजनेता, अभी 2 साल पहले घटना है, भारत के एक राजनेता पापाचार के द्वारा 73 करोड़ रुपया इकट्ठा किए। 73 करोड़, क्या समझे? 73 करोड़ रुपया इकट्ठा किए। वो थे, उनकी स्त्री थी, उनका लड़का, लड़के के 2 बच्चे, बहु लड़के के, और एक लड़की, उसके 2 बच्चे और दामाद, और उस लड़की का ससुर और सास, ये सब बैठ करके एक हवाई जहाज में 3 करोड़ रुपया लेकर के मनाली में जमीन खरीदने के लिए चले चंडीगढ़ से। और कुल्लू के पास जब पहुंचे तो जो पायलट था वो ये नहीं समझ सका कि आगे बादल है या पहाड़, भ्रांति हो गई उसे, और जहाज को ले जाकर के मार दिया जहाज पहाड़ मार दिया। 10 आदमी वहीं साफ हो गए, 10 के 10, लड़का, लड़के की बहू, 2 पोतरे और पोत्रियां, लड़की, लड़की का पति, दोहित्रे दोहित्रियां, और उसके सास ससुर, और अपने पति पत्नी, और पायलट, 10 के 10 वही खत्म हो गए। अब उनके घर की जब तलाशी हुई तो जो आजकल लोग बेड बनवाते हैं ना, बक्से वाला बेड, ये तो देखा होगा सबके घरों में मिलेंगे, बेड बनवाते हैं तो नीचे बक्सा होता है, तो उस बक्सा जब खोला गया तो उसमें से 70 करोड़ रुपया केस निकला, 70 करोड़, और उसको भोगने वाला कोई नहीं क्योंकि 10 से 10 साफ हो गए। किस काम आया? और एक सज्जन ने मुझे बताया, जो उनके ग्रुप का ही आदमी था पहले, उसी पार्टी का, कि गुरुजी यहां जो चंडीगढ़ के थोड़ी दूर पर डेरावसी है, वहां एक बूचड़ खाना बना है जिसमें 400 पशु रोज काटे जाते हैं, का इस बूचड़ खाने का परमिशन देने के लिए दस्तखत करने का 1 करोड़ रुपया लिया था इस व्यक्ति ने। अब वो थे पंजाब के राज्यपाल, समझे, अभी 2 वर्ष पहले की बात। और वो रुपया कहां गया? पहले अखबारों में आया 2-4 बाद में गायब हो गया,
पार्टी वाले उठा कर ले गए, कहते वो पार्टी का पैसा था और सारे खा गए। और जो पाप किया था उसके हिस्से कुछ नहीं आया, सर्वनाश हो गया। और ये जनता प्रत्यक्ष देख रही है कि पाप करने वाले का परिणाम क्या हो रहा है, फिर भी लोगों की आंख पर पट्टी लगी हुई है, समझ में नहीं आ रहा। आप जरा सोचिए, मैत्रेय की वह घोषणा को याद कीजिए, एन हम न अमृता श्यामा अहम तेन किम कुरयाम। अरे जो धन संपत्ति जो पद पदार्थ तुम्हें शांति न दे सके, सुख न दे सके, निर्भय न बना सके, मृत्यु से न बचा सके, उसको लेकर तुम क्या करोगे? लेकिन नहीं, बुद्धि इतना कहां सोचती है, बुद्धि को तो रजोगुण आवृत कर लेता है। जब बुद्धि रजोगुण से आवृत हो जाती है तो उसके सोचने का ये मामला ही समाप्त हो जाता है, और फिर कामना प्रबल होकर के मनुष्य को पाप में ऐसे लगा देती है। भगवान यही समझा रहे हैं अर्जुन को कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापमा। महासनो माने ये काम सर्वभक्षी है, कभी इसकी तृप्ति नहीं हुई। करोड़पति अरबपति बनना चाहता, अरबपति खरबपति बनना चाहता, खरबपति और भाड़ में जाना चाहता है, कौन जाने कहां जाना चाहता है वो क्या कहा जाए, कहीं सीमा है इसकी? कोई सीमा नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि ये दुष्पूर्ण आने, ये तो कभी भी पूर्ण ना होने वाला। महासनो महापापमा विद्ध एनम यह वैणम, और ये तुम्हारे ज्ञान के स्रोत को किस प्रकार से आवृत करता है, तो भगवान आगे कहते हैं, धूमे नावृते बंधिर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नावृतो गर्भस्थ तथा तेने दमावृत। यह रजोगुण जो है वह तीन अवस्थाओं में ज्ञान के तीनों स्रोतों को, ज्ञान के जो तीन स्रोत हैं, तीनों स्रोतों को आवृत कर लेता है। सबसे पहला स्रोत क्या है? कहा बुद्धि, जैसे मैं भी बता रहा था, क्योंकि आत्मा का प्रकाश तो सर्वप्रथम बुद्धि में होता है, तो पहले ये बुद्धि के स्रोत को आवृत करता है। कैसे आवृत करता है? कहा धूमेन, जैसे धूम के द्वारा बन्नी अग्नि। अब अग्नि और धूम का संबंध जरा देखिए आप, अच्छा अग्नि ना हो तो धूम हो सकता है क्या? आप लोगों ने कहीं बिना अग्नि के धुआं देखा है? मेरे विचार से तो नहीं देखा होगा। हाँ, एक बार ऐसे मैंने प्रश्न किया एक समाज में बोलते हुए, एक सज्जन ने कहा हमने देखा है। हमें कहाँ देखा भाई बिना अग्नि का धुआं? कहा सवेरे हमने तालाब के किनारे तालाब से धुआं उड़ते हुए देखा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, भाव उठता है। तो मैंने उसे पूछा, हम कहा कि तालाब के किनारे जो आपने धुआं उठता हुआ देखा तो आप कैसे समझ गए कि यहाँ अग्नि नहीं है? कहा तालाब में तो पानी था। हम कहा पानी में अग्नि है? पानी में अग्नि है भाई, वेद की घोषणा है, एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एव अग्नि सलिले सन्निविष्ट। वेद क्या कहता है कि वह परमात्मा इस जल पदार्थ में उसी प्रकार से व्याप्त है जैसे जल में अग्नि व्याप्त है। एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एव अग्नि सलिले सन्निविष्ट तमे विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थ हुआ कि वह एक परमात्मा परम प्रकाश स्वरूप हंस सर्वव्यापी प्रकाश इस जगत में इस प्रकार से व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? स एव अग्नि सलिले सन्निविष्ट यथा सलिले अग्नि सन्निविष्ट तथा संसारे आत्मा सन्निविष्ट। जैसे जल में अग्नि निहित है ऐसे ही संसार में परमात्मा निहित है। अब आप कहोगे तो आप उल्टी बात बता रहे हो, जल में अग्नि कहां है? जैसे जल में अग्नि की कल्पना है वैसे जगत में परमात्मा की कल्पना है। जब विज्ञान का उदय नहीं हुआ था ना, विज्ञान का, उस समय बहुत से मूर्ख ऐसे थे जो इस मंत्र का अर्थ करते हुए ये बताते थे कि जैसे जल में अग्नि है नहीं उसकी कल्पना होती है, ऐसे परमात्मा है नहीं उसकी कल्पना की जाती है। क्योंकि भारत में दो संप्रदाय ऐसे हैं
जो ईश्वर की सत्ता ही नहीं मानते और ना तो ईश्वर की व्यापकता मानते हैं, वो दोसा वहां ईश्वर नहीं है तो और कई संप्रदाय पैदा हो गए। बौद्धों के यहां ईश्वर नहीं होता, बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते। जैन संप्रदाय में भी ईश्वर नहीं है, वहां भी ईश्वर की सत्ता नहीं मानी जाती। इन दोनों संप्रदायों में ईश्वर है ही नहीं। फिर आजकल तो और कई पंथ हो गए जो ईश्वर को नहीं मानते। अब उन संप्रदाय वाले वालों की यह व्याख्या होती थी कि तुम्हारा वेद यह कह रहा है कि जैसे जल में अग्नि है ऐसे संसार में परमात्मा है, माने जैसे जल में अग्नि नहीं है ऐसे परमात्मा संसार में नहीं है, केवल कल्पना है तुम्हारी। लेकिन उनकी अज्ञानता का पोल कब खुला जानते हो? जब विज्ञान के प्रकाश में यह सिद्ध हो गया कि जल के जितने कण हैं वो अग्नि से परिपूर्ण हैं। जल के जितने कण हैं, ईच कण, ईच